अलवर के हरदेव व्याहर कॉलोनी के मकान नंबर 10 में इंडस कंपनी द्वारा मोबाइल टावर लगाए जाने का मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रकट किया है। इस दौरान टावर लगाने आए कर्मचारियों को मोहल्ले वासियों ने टावर नहीं लगाने दिया। उनका कहना था कि जिस मकान पर टावर लगाया जा रहा है वहां चारों तरफ कॉलोनी की बसावट है जो उनके लिए हानिकारक हो सकती है। वहीं 10 फीट की दूरी पर सैनिक छावनी भी है। इस दौरान स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे कॉलोनी में मकान नंबर 10 पर टावर लगा रहा है इंडस कंपनी का, तो हम पिछले सितंबर से अब तक विरोध करते आए। पहले शांतिपूर्ण उसको समझाया, वो नहीं माना, फिर उसने पुलिस फोर्स वगैरह लाके लगाने की कोशिश की, हमने कोर्ट का सहारा लिया। अब आपको पता है कि इसका तो रेडिएशन का कितना खतरा है, हमारे आसपास ऑलरेडी 4-5 टावर लगे पड़े, तो कॉलोनी में कई महिलाओं के कैंसर से डेथ हो गई। हमारे पड़ोस में ये 10 नंबर मकान है जो कि सिर्फ 3 मंजिल का है, और इंडस कंपनी गलत तरीके से NOC लेकर के नगर परिषद से इस पर एक मोबाइल टावर लगाना चाह रही है, और हमारा विरोध तो सितंबर से चल रहा है, लेकिन ये धरने का प्रोग्राम जो है सांकेतिक धरना हम दिन रात का करीब 2 महीने से यहाँ लगातार दिन में और रात में दे रहे हैं। इस तपती हुई धूप में महिलाएँ बच्चे और यहाँ कॉलोनी वासी जितने भी हैं सारे करीब 100 घर की बस्ती है, सब लोग इस धरने की निगरानी में रहते हैं। वहीं पार्षद रणदीप सिंह लक्की का कहना था कि आम जन की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा और कंपनी के टावर को कहीं और लगाने के लिए कहा जाएगा। मेरे पास हरदेव बिहार से लोग आए थे कि भाई यहाँ पर एक टावर लगाया जा रहा है कंपनी के द्वारा, जिसकी बात सुनने के बाद मैंने जन विरोध देखते हुए और नियमानुसार ये महसूस किया कि भाई ये टावर इस मकान में नहीं लगना चाहिए, तो मैंने इस टावर की पूरी कोशिश की है और लोग ये चाहते भी हैं कि यहाँ पे टावर ना लगे, और मेरा उनको साथ समर्थन है और मैं भी यही चाहूँगा कि यहाँ टावर ना लगे।